टैलेंट बच्चे जो है अपने हाथ से इसको दीजिए, जो टैलेंट ये इसका मैंने बहुत आपका ये सीखे कहा है, ये सीखे कहा है हमारा नहीं है, हमें यहाँ पे नहीं आना है, लेकिन जब वक्त मिलता है जब आप नहीं आते हैं तो हमें मजबूर आना पड़ता है, कभी कभी हमें मजबूर आना पड़ता है, वरना ये सीखे जो आपका है ये आपके लिए है, आपको अपने ख्याल आपका यहाँ पे इजहार करना है, ये आपके लिए है और हम आपकी बात को हाजिरी करेंगे, हम आपकी बात को हौसला अफजाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बैठने का सलीका है, समाज में दो
सबसे पहले मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि मैंने परसों सवाल आपसे किया था तो कोई यहाँ पे आ गई और उसने उस सवाल का बिल्कुल ही खूबसूरत जवाब दिया। खूब आप जोरदार ताली इस वेद के लिए बजाएं। एक दो ये कि इसका जो अंदाज बयान है, इसकी जो जबान है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुझे लगता है कि इस साल की बेस्ट ऑडिटर साबित हो सकती है। बेस्ट ऑडिटर जिस अंदाज से, इसके जिस खूबसूरती के साथ उसने अपना नुक्ते नजर यहाँ के सामने हमारे रखा, अपना ख्याल हमारे सामने रखा, और इसके लिए हम इसको इट इज सेड, अगर हम बच्चे को एनकरेज करेंगे, अगर हम बच्चे को एनकरेज करेंगे तो एनकरेजमेंट से क्या होता है, बच्चे में आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती है। अगर हम बरकस से इसको हम डिस्करेज करते हैं तो आगे बढ़ने के बजाय बच्चा पीछे ही चला जाता है। एनकरेजमेंट इज मस्ट, एजुकेशन में एनकरेजमेंट। अगर कोई बच्चन पांच मार्क्स आने तेज वो शाबाश, तेज दिमो शाबाशी दिमो, तेज मुमकिन सान बेकिस एग्जाम मस सत पत आन ठ पत आन नौ पत वा दहन पे सान 100% अह पत वा बजाय इसके करो डिस्करेज करो तेज हौसल शफी। अगर सह खबर कौत क्रिएटिविटी आत टैलेंटेड आ बसा सह ग पा तो इस के लिए थोड़ा सा नजराना मैं दूंगा। मैं सिद्धार्थ जी को बुलाऊंगा, सिद्धार्थ जी के हाथ में मैं इसकी हौसला अफजाई के थोड़ा सा है इसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे यहाँ से टैलेंटेड बच्चे जो है अपने हाथ से इसको देखे, जो टैलेंटेड ये इसका मैंने बहुत ज्यादा ये इसलिए कहा था हमारा नहीं है, हाँ यहाँ पे नहीं आना है, लेकिन जब वक्त मिलता है, जब आप नहीं आते हैं तो हमें मजबूर आना पड़ता है, कभी कभी हमें मजबूर आना पड़ता है, वरना ये स्टेज आपका है, ये आपके लिए है, आपको अपने ख्याल आपका यहाँ पे इजहार करना है, ये आपके लिए है और हम आपकी बात को हाजिरी करेंगे, हम आपकी बात को हौसला अफजाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।